चित्रकूट में है, लेकिन ऐसे दिव्य भव्य स्थल में और ऐसे दिव्य सं दोस्तों जय श्री राम, कैसे हैं आप सब। लगातार चित्रकूट धाम में ये सब बेल्ट आप लोग शायद ही घूमे होंगे। ये ऐसी जगह है, बीढ़र जगह है, जहाँ उमेश भैया हमारे सेवा पहुंचाने के लिए हमेशा महीने में आते हैं और जाते हैं संतों से के पास। सत्संग के साथ साथ सेवा भी ये मासिक करते हैं। ये देखिए इनके पास सब्जी है और भी हरी सब्जी है और झोल बैग में भी बहुत सारा सामान लिए हैं। हम लोग जिधर जा रहे हैं, शायद ही आपने कभी चित्रकूट में ऐसे जंगल बीहड़ देखिए, चारों तरफ देखिए, यहाँ पर हिंसक जंतु भी ऐसा नहीं है। और बगल से जो है ये मंदाकिनी माता जी ये बह रही है, ये देखिए देख रहे हैं। तो ऐसी जगह, और यहाँ पर एक संत रहते हैं और उन्हीं के पास कुछ सेवा है, मासिक सेवा है जो उमेश जी लेकर के जा रहे हैं अपने सहयोगी के साथ। आज हम भी आए हैं तो हम भी चलेंगे और महाराज जी का दर्शन लाभ भी प्राप्त करेंगे, और ये मासिक जो सेवा करते हैं उस सेवा को भी उमेश जी प्रदान करेंगे, महाराज जी को अर्पण करेंगे। और आज बहुत सारी सेवा, बहुत सारे संतों के पास जा जा करके इन ये सेवा करने का ही अधिक से अधिक इन्होंने आज विचार किया है। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, हम लोग बीहड़ जंगल से चल करके अपने साधन के बाद जब यहाँ आकर के पहुंचे हैं, रास्ते में आ चुके हैं, पीछे जंगल है लेकिन चारों तरफ का किस तरह का जंगल है, भयानक जंगल है। और ये उमेश भैया अब भी नहीं, बरसात में भी आते हैं, और जब नहीं होता है, फोर व्हीलर नहीं आ पाती है, तो 1-1.5 किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ी करके दो पहिया से या तो किसी तरह पैदल चल करके ऐसे जंगल में आते हैं। अब चारों तरफ एक बार मैं चाहूंगा भाई साहब को दिखाइए कि यहाँ का जंगल कैसा है, एक सामान्य व्यक्ति कैसे आ सकता है, क्या ये सरल जंगल है या बनावटी जंगल है। आप देख सकते हैं कि बीहड़ जंगल है और यहाँ पर आ करके दो पहिया भी नहीं आ सकता, मतलब पैदल ही आप चल सकते हैं लगभग 1 किलोमीटर के अंदर। और एक चीज अभी जानकारी हुई जैसा कि आपके माध्यम से कि मतलब एक संत जी जो है सब जानकारी मिली कि मतलब आपने घी वू की व्यवस्था, हवन ववन की व्यवस्था आपने उनके लिए किया, अब उनको देने के लिए लगभग आपको 2 किलोमीटर की वहां पर यात्रा करनी ही करनी पड़ेगी तब जाकर। हाँ, फिर वापस आएंगे, गाड़ी के पास जाएंगे, सामान लेंगे, फिर वहां से 1.5 किलोमीटर उस साइड में जाएंगे। हाँ, शायद रास्ता हम लोग यही है, आगे भटक रहे हैं क्या है, हमारे साथी बोल रहे हैं कि रास्ता इधर से है रास्ता। एक जैसे तीन रास्ते हैं हर जगह, सेम जैसे जंगल में दिखता है कि जंगल में है। हाँ। काफी जो है नहीं भाई, ये रास्ता नहीं है। आगे पूरा बंद है, वहां से रास्ता शायद एक तो और दिखी है जहाँ लोग थोड़ा बहुत आने जाने का चिन्ह बना हुआ है, ये रास्ता है नहीं। सोचिए व्यक्ति जो है अचानक आए और ये लोग आते रहते हैं इस। महाराज जी की कुटिया हम लोग पहुंच चुके हैं, चारों तरफ कितना सुंदर तरीके से बना हुआ है और वीरान है, मात्र एक ही कुटिया है, लगभग 2 किलोमीटर तक इसके आसपास कोई भी कुटिया नहीं बनी हुई है। आप चारों तरफ देख सकते हैं हरा भरा है, क्योंकि बरसात के कारण जो है काफ़ी हरा भरा हो गया है। और ये महाराज जी की कुटिया है, ना ही पक्की बनी है, मात्र जो है पन्नी लगी हुई है, ऊपर कांटे रखे हुए हैं और एक सोलर पैनल है, और महाराज जी कुटिया में लग रहा है बैठे हुए हैं क्योंकि, और चारों तरफ का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर है। आइए कुछ ही देर में आप हम लोग महाराज जी के दर्शन प्राप्त करेंगे। और ये कुटिया जो सामने देख रहे हैं इसके अंदर महाराज जी रहते हैं, और महाराज जी का रहते जरूर चित्रकूट में है, लेकिन ऐसे दिव्य भव्य स्थल में और ऐसे दिव्य संत का दर्शन हमने नहीं किया था। और चित्रकूट धाम में बहुत सारी जगहें हैं और इस जगह को हम जानते भी नहीं थे जहाँ पर हैं, और जिस तरफ से हम लोग आए उधर बहुत बीहड़ जंगल है। उमेश भैया जी के माध्यम से, क्योंकि वो लगातार आते जाते रहते हैं, तो महाराज जी के पास आए और महाराज जी बहुत ही दिव्य संत हैं। प्लस जो है आपसे बताएं कि यहाँ पर जो वातावरण है जो चारों तरफ का वो बहुत ही सुंदर और शांतिमय है। तो महाराज जी सादर प्रणाम, मैं मुझे भी आपका सौभाग्य मिला कि मतलब आपका दर्शन मिला। और महाराज जी जैसे हम लोग आए, अभी हम रास्ते में डर रहे थे क्योंकि हमें रास्ता जो लगी, कभी हम ऐसी जंगल में जरूर चित्रकूट रहे लेकिन आए नहीं,
तो जैसे रात बिरात कभी बड़े बड़े जानवर, जैसे जानवर तो क्योंकि बड़े बड़े रहते हैं, तो यहाँ कौन कौन से जानवर आपने देखा, या मतलब रात बिरात कैसी क्या स्थिति पैदा होती है आपके साथ? भाई जंगल है, जंगली जानवरों का घर है, तो वो तो अपने घर में तो रहेंगे ही जी। पर ये होता कि कभी कभी जो है वो कुटियाओं के पास में भी आ जाते हैं, तो जब कुटियाओं के पास में आ जाते हैं उस स्थिति में तो हमने देखा है, पर जो जंगल में अंदर जो छिपे रहते हैं जैसे जैसे भी अपना दिनचर्या बिताते हैं, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, ना उनके बारे में हम ज़्यादा जानते हैं। पर ये है कि जंगली जानवर हैं इस जंगल में, और शाम होने के बाद जंगल में इधर उधर घूमना फिरना वो विशेष निषेध है, क्योंकि भाई जंगली जानवर हैं जी। तो इसलिए जो है यही विनती करेंगे कि कोई भी अगर आता है जंगल में जी, तो या तो समय रहते हुए वो कुटिया में आकर अपना जो है सेन या फिर जो भी कुछ करना है, नियम करना है, भजन करना है या दर्शन करना है, तो अपना समय पर ही करके वापस लौट जाए। महाराज जी, जैसे कभी कभी सुबह आप नित्य कर्म करते होंगे, स्नान आदि करते होंगे, तो स्नान आदि करने के लिए जैसे मंदाकिनी जी जाते, मंदाकिनी जी में ही स्नान होता होगा जी, तो आना जाना हो, कभी ऐसा वाकया नहीं हो कि आपसे मुलाकात हुई या मतलब रास्ते में दिख गए, उस स्थिति में आप क्या करते? भगवान का ही भरोसा है हमारे पास, और दूसरा तो कुछ है नहीं जी। तो ये होता है कि अगर हम सुरक्षित जगह में, जैसे मान के चलो कि हम कुटिया में हैं और यहीं पर वो आसपास जो है जीव दिख गया है जी, तो हम अपना कुटिया के अंदर चले जाते हैं। अच्छा। क्योंकि भाई भगवान उसके अंदर भी हैं, भगवान हमारे शरीर में भी हैं, तो हम किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे तो वो भी हमें हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो ये होता है कि भाई आप उनसे दूर हो जाइए तो कोई खतरा ही नहीं रहेगा उस तरह का। ज्यादातर कौन से जंगली जीव में कौन से जीव ज्यादातर दिखता है, जैसे बड़े जानवर जो हिंसक होते हैं मुख्य रूप से? अभी तक तो हमने 3 प्रजातियां देखी हैं, जो बाघ, चीता, तेंदुआ। अच्छा। ये तरह के जो जानवर होते हैं सबसे ज्यादा तो हिंसक तेंदुआ होता है शायद, और बाघ भी होता है, आक्रामक तीन ही होते हैं। तो यहाँ पर मतलब बाघ आ जाते हैं, यहाँ पर परिसर में आ जाते हैं, और हिरण तो आगे पीछे घूमते ही रहते हैं जी। जी, हिरण तो हमने, भालू महाराज जी, भालू का शायद बताते हैं झुंड है चित्रकूट के जंगल में, भालू भी आते हैं जंगल में, झुंड है शायद, देखा तो नहीं है, झुंड के रूप में देखा तो नहीं है, और भालू का हमें आज तक दर्शन भी नहीं हुआ, पर बहुत से महात्माओं को हुआ है तो वो बताते हैं। क्योंकि आप बाहर नहीं निकलते ज्यादातर, ध्यान पूजन पाठ। अच्छा महाराज जी, कभी ऐसी स्थिति हुई कि जैसे रात्रि विराति आपका स्वास्थ्य में मतलब जैसे दीर्घ शंका इत्यादि की स्थिति बन गई, तो अंदर ये सब तो बना हुआ नहीं कि सही शौचालय इत्यादि अपना, तो उस स्थिति में आप क्या करते? उस स्थिति में हम भगवान को स्मरण करके अपना जो जैसे दिन में नित्य क्रिया करते हैं और उसी तरह जो है अपना क्रियाएं करते हैं, गंगा जी जाते हैं, स्नान भी बनाते हैं जी। रात्रि में भी आपको जाना पड़ता? कोई, हम भगवान के भरोसे जंगल में रह रहे हैं, तो हमें इतना विश्वास है कि अगर हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो भगवान हमारी पल पल की जो है सुरक्षा करते हैं, तो हमें उस तरह का कोई डर भय इतना नहीं रहता। ना कोई भी साथ जो जंगल में कुटिया बना करके महात्मा रह रहे हैं जी, तो उनको भी किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। आपके पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि फोन इत्यादि भी आप यूज नहीं करते हैं, कि जैसे कोई ऐसी आपात स्थिति, जैसे आपका हमें जानकारी मिली कि स्वास्थ्य थोड़ा सा सही नहीं रहा, तो इस स्थितियों में भी जैसे आप तो मतलब आप जैसे जाकर ही उस चीज को जानकारी दे सकते हैं, तो उसके अनुसार जो है कहीं ना कहीं मतलब आप जो है लगातार प्रभु की भक्ति में तो लगे हैं। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं महाराज जी का थोड़ा स्वास्थ्य भी सही नहीं, तो इसलिए हम ज्यादा चर्चा ना करते हुए, और ये जो भी सेवाएं हैं और जो भी संतों का दर्शन है लगातार चल रहा है, और कहीं ना कहीं मैं इस वीडियो के माध्यम से उमेश जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि ऐसे संतों के पास भी ये आते हैं और सेवा करते हैं, जहां पर लोग पैदल भी आने में डरते हैं क्योंकि दोपहिया इत्यादि महाराज ये नहीं आ सकता साधन, तो यहाँ लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद जंगल के किनारे से, और बीहड़ जंगल है, कोई दिखावा वाला जंगल नहीं। तो इस स्थिति में ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग भी आ रहे हैं और दर्शन हम लोगों को भी, हम चित्रकूट में भी रह करके नहीं ऐसे संतों का दर्शन कर पाए, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सादर प्रणाम महाराज जी। और जैसा भी है आपके संपर्क में उमेश जी आई हैं, जब भी आप उन्हें कहेंगे कुछ तो वो सेवा के लिए आपके तत्पर हैं, और जो भी हो सकेगा आपका आशीर्वाद होगा तो जल्द से जल्द और कुछ ना कुछ सेवा करते रहेंगे।
धन्यवाद। जय श्री राम।